एक हेडलाइन वायरल हो रहा है कि आज फिर किसान करेंगे दिल्ली को जाम, माने दिल्ली में लगेगा भयंकर जाम। किसानों ने ऐलान किया है कि बुधवार यानी कि 6 मार्च यानी कि आज को वह दिल्ली स्थित जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे। उनका कहना है कि सरकार का रवैया किसानों के खिलाफ तानाशाही पूर्ण रहा है। जंतर मंतर कूच के ऐलान के साथ ही किसानों ने सरकार से साफ मांग की है कि किसानों को प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई भी सरकार द्वारा की जाए। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान के बाद राष्ट्रीय राजधानी में भीषण जाम लगने की संभावना जताई जा रही है। तो आज का दिन है 6 मार्च और किसान लग रहा है कि अगर कर किए भी होंगे दिल्ली में, मैं तो बिहार से ये वीडियो बना रहा हूँ। देश के अन्नदाता कहे जाते हैं और देश में जितने भी अन्न उपज होता है वाज वही परेशान है और डेली जो कि आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जो उनकी सरकार से मांग है सरकार इससे पूरा कर नहीं रही है, या फिर सरकार का कहना है कि वो सही है और किसानों का कहना है कि नहीं, सरकार जो कि तानाशाही पूर्ण है, रवैया अपना रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है। तो इसका समाधान क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों को बता दिए जो जानकारियाँ, ये जो कि एबीपी न्यूज़ जो है वहाँ पर वायरल हो रहा था तो सोचा कि शेयर किया जाए और अपने दर्शकों से इसका जो है राय लिया जाए कि उनका क्या कहना है, किसानों के साथ क्या सरकार बुरा बर्ताव कर रही है या किसान गलत है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।